हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक कुमार शर्मा, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। आई हैड क्रैक्ड नीट 2019 बाई परसुइंग द मार्क्स ऑफ 618 एंड द रैंक वॉज अबाउट 4323। एक्चुअली दोस्तों, हम एक एवरेज स्टूडेंट, पहली बार जब नीट दिए 2017 में तो अप्रॉक्सीमेट मार्क्स जो आए थे 301 का, फिर सोचे कि एक बार और देते हैं। फिर 2018 में दी, 2018 में 501 नंबर था। फिर एकदम सोचे कि छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो फाइनली एक टीचर से पूछे क्या करना सही है क्या नहीं करना सही। तो वो टीचर बहुत मोटिवेट किए, वही बताए कि चलो एक बार और करके देख लो, जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट टाइम भगवान का नाम लेकर एक बार और दिए। इस बार थोड़ा अच्छा गया, 618 मार्क्स आया। फिर हर नीट एस्पिरेंट का जो सपना होता है कि एक सीट MBBS रिजर्व हो, वही सपना में अलग क्लियर हुआ। और वो सर और कोई नहीं, रवि सर थे। एक्चुअली दो टीचर थे जो बताए कि बायो पढ़ना कैसे, एक थे रवि सर, एक थे अवनीश सर। रवि सर और अवनीश सर जो थे, उन्होंने बताया कि बायो रटा नहीं जाता, उनका डायग्राम, उनका कॉन्सेप्ट एकदम हट के था। जैसे देखा जाए तो रवि सर की जो पढ़ाने का तरीका था, उसमें मतलब है, उसमें ऐसा है कि पता भी नहीं चलेगा कब सारा कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में इंस्टॉल हो गया। और अवनीश सर का जो डायग्राम है, डायग्राम पे तो मतलब एक डायग्राम के बेसिस पर उनका उस कॉन्सेप्ट से 70% तक क्लियर हो सकता है। और देखा जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरी गलती कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट टाइम गलती ये हुई थी कि हमको पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे, अब पता नहीं था, और जब पता चला तो काफ़ी लेट हो चुका था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में पता तो चला कैसे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं पता था, जिसकी वजह से हम पढ़ते थे लगभग 9 घंटा 10 घंटा पर डे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। लेकिन जिस ये ज़्यादा पढ़ने की वजह से हम उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने लगे, जो कभी नीट में क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो फिर जब फर्स्ट और सेकेंड टाइम पता चला, तो थर्ड अटैम्प्ट में सिर्फ वही पढ़े, कॉन्साइज में पढ़े जो नीट में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। और रवि सर और अवनीश सर जो थे, वो लगभग 10 साल का क्वेश्चन इतने आसानी से हर चैप्टर वाइज बताते थे, मान लो जैसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो उसके बेसिस पर। तो यहाँ से अब अधिक दिन तो बचा नहीं है नीट का, लगभग 2 महीना बचा। लोग 2 महीने में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है, 2 महीने में भी सिलेक्शन होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो, रवि सर अवनीश सर से पूछना, जरूर बताएंगे। थैंक यू।